क्रोनिकर डेल्टा। क्रोनिकर डेल्टा इज वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ टेंसर एनालिसिस। ओके, सो द सिंबल क्रोनिकर डेल्टा इज डिनोटेड बाय क्रोनिकर डेल्टा आई जे, वन अपर एंड वन लोअर। ओके, सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट क्रोनिकर। सो ए ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन लियोपोल्ड क्रोनिकर, ही हैज स्टडीड इन नंबर थ्योरी, ऑल्सो ही डिड सो मैनी वर्क इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रिमेनेंट ज्योमेट्री। इन डिफरेंस ज्योमेट्री सो मैनी थ्योरम्स ही हैज एक्सप्लेन्ड। ओके, क्रोनिकर वॉज इंट्रोड्यूस्ड न्यू टाइप ऑफ थ्योरीज, ही हैज इन्वेस्टिगेटेड द कर्वेचर ऑफ हाइपर सर्फेस ऑफ यूक्लिडियन स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस, प्रूविंग द एग्जिस्टेंस एंड द लीडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन्स ऑफ कर्वेचर, एज वेल एज ए जनरलाइजेशन ऑफ म्यूनर्स थ्योरम एंड अदर रिजल्ट। ओके, सो ऑन हिज ऑनर ए सिंबल डेल्टा आई जे इज कॉल्ड क्रोनिकर डेल्टा। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिंबल। सो ए सिंबल डिनोटेड बाय क्रोनिकर डेल्टा आई जे एंड इज डिफाइंड बाय क्रोनिकर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू वन, I is equal to J and 0 if I not equal to J. Okay, so this is very useful in whole general relativity as tensor analysis. Okay, so main properties of Kronecker delta. So what is the property? So many properties. Okay, so first property is very important property, means if we use delta 1 1 is equal to delta 2 2 is equal to delta 3 3 up to so on is equal to delta n n is equal to 1, because if I equal to j, this is 1. Also we have here not summation, because in n dimensional space if any indices repeated then always we use summation, but here there is no summation. Okay, and similarly delta ii is equal to n. Why? Because here I is dummy index, so I is repeated and here we use summation. So by Einstein summation convention, I runs from 1 to n, means ii is equal to delta 1 1 plus delta 2 2 plus delta n n for n dimensional space. So this is 1 by definition plus 1 plus 1, so this is equal to n. Okay, and next property is third is, if we operate delta ij in any tensor, this is contravariant vector, so this is equal to ai. Okay, so how we can say that this is AI? So IJ AJ. Okay, so here J is dummy index, means repeated index in any expression. So here we use summation, because in any expression any index is repeated, then we use summation, means J runs from 1 to N. So this is I 1 A 1 plus I 2 A 2 plus up to show on I N A N, and in between 1 to N there is some I is equal to J. So here delta I A I. Okay, so this is by definition 0.
टू आई टू जीरो, आई आई वन, सो हियर ए आई एंड ऑल टर्म्स आर जीरो, सो दिस इज ए आई. ओके, सो व्हेन वी यूज क्रोनिकल डेल्टा इन एनी अदर टेंसर, सो ऑलवेज फर्स्ट वी सी व्हिच इंडेक्स इज रिपीटेड. सो इफ रिपीटेड देन वी यूज सिग्मा साइन. सिग्मा साइन मीन्स वी यूज दैट इंडेक्स फ्रॉम वन टू एन. ओके, एंड वी यूज द डेफिनेशन, सो दिस इज द वैल्यू. नाउ वी शैल प्रूव अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनिकल डेल्टा. क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू. ओके, सो वॉट इज मिक्स टेंसर? मिक्स टेंसर मीन्स ए क्वांटिटी विच इज इन अपर साइड एंड वन इज लोअर, सो दिस इज मिक्स मिक्स टेंसर. सो इफ दिस क्वांटिटी पजेस ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्स टेंसर देन वी से दिस इज ए मिक्स टेंसर. ओके, सो वी हैव डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे. ओके, बाई डेफिनेशन सो दिस इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार ए, डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स जे. ओके, सो दिस इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार ए, डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स बार बी, डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स जे. ओके, सो नाउ डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार ए एंड डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स जे, हियर डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स बार बी. सो नाउ अगेन डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा. सो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार ए, डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स जे. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा. सो दिस इज ए बी. ओके, सो हियर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स आई कोऑर्डिनेट टू एक्स बार आई कोऑर्डिनेट डेल्टा आई इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज ए ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू. ओके, विच इज ए ट्रांसफॉर्मेशन रूल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक टू. देयरफोर क्रोनिकल डेल्टा is a mixed tensor of rank 2. Okay, so this is very important result on Kronecker delta. And very important note on Kronecker delta. So what is the important note? So if we denote Kronecker delta this type, Ij is equal to 1, 0, I is equal to j, I not equal to j. Okay, so then this is not a covariant tensor. Okay, because both indices are lower, so this is by the notation here we see this is covariant tensor, but this is not a covariant tensor. So this is not a covariant tensor. Okay, so why this is not a covariant tensor? Since this does not possess the rule of covariant tensor, transformation rule of covariant tensor, so this is not a covariant. So here we use only one upper limit, one upper index and one lower index. Okay, also this is very important remark for Kronecker delta. Kronecker delta is isotropic tensor. Okay, means Kronecker delta ij is an isotropic tensor. Kronecker delta ij is an isotropic tensor. What is isotropic tensor? So a tensor which has the same set of components
relatively to every system of coordinate axis. Every system of coordinate axis. Is a tensor which has the same set of components relatively to every system of coordinate axis is an isotropic tensor. Okay. Okay. So since this is delta I j is equal to del x I upon del x j, and this is del x bar I is equal to del x bar j. Why? Because I have previously show that if we write del x I upon del x bar A, del x bar A upon del x J, so this is converted in mixed tensor. Okay, so this is equal to del x bar del bar I upon this thing. So from x I to x bar I, no change. So this is therefore this is an isotropic tensor. Okay.